नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर सो so फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो चैप्टर के एम सी क्यूस के बारे में इसके पहले हमने ऑलरेडी पार्ट वन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं अगर आपने अभी तक ये पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दी हुई है आप वहाँ से वीडियोज़ को थ्रू कर सकते हैं चलिए तो हमारे सामने क्वेश्चन है करंट रेशियो इज स्टेटेड एज क्रूड रेशियो बिकॉज हम करंट रेशो में बेसिकली किसका कैलकुलेशन करते हैं तो इट मेज़र्स ओनली द क्वांटिटी ऑफ द करंट असेट्स दूसरा ऑप्शन है इट मेजर्स ओनली द क्वालिटी क्वालिटी तो नहीं होता भाई एक बार का बोल सकते हो कि क्वांटिटी को मेज़र करते हैं बोथ ए एंड बी नहीं तो सही आंसर क्या होना चाहिए हम लोग जो करंट रेशो का कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो हम करंट असेट्स को मेजर करते हैं वो क्वान्टिटिटी टर्म्स में करते हैं करेक्ट तो ए ऑप्शन आप, आपका करेक्ट होना चाहिए नेक्स्ट है आपके पास द आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो तो बेसिकली करंट रेशियो के लिए आइडियल रेशियो होता है टू रेज टू वन अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इसका भी रेशियो टू रेज टू वन आता है ये भी टू रेज टू वन है मतलब मेरा बोथ ए एंड बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट अगर हम बात करें विच रेशियो इज कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी अगर हम सॉल्वेंसी रेशियोज की बात करें तो एक्चुअल में लिक्विड रेशियो भी सॉल्वेंसी के कैटेगरी में आता है क्विक रेशियो भी सॉल्वेंसी के कैटेगरी में आता है करंट रेशियो भी सॉल्वेंसी के कैटेगरी में आता है लेकिन अगर इन तीनों में से क्योंकि नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि तीनों ही है और ऑल ऑफ द बुक ऑप्शन है नहीं हमारे पास तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहां आंसर आपको सभी लगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को मार्क आउट करना होता है तो देखिए लिक्विड रेशियो एंड क्विक रेशियो आर द पार्ट ऑफ द करंट रेशियो मतलब इन तीनों रेशियो में अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएटली ब्रॉडर लेवल पर बोलूं तो मेरा करंट रेशियो इस परफेक्ट सेफ मार्जिन ऑफ द सॉल्वेंसी से कहलाना चाहिए उसके बाद हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला पूछा है आपको कि वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर कैसे डिटोमाइंड करेगी तो इसका फॉर्मूला होता है COGS जी एस अपॉन वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल सो आपका सी ऑप्शन इज परफेक्ट आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन है डेटर टर्न ओवर रेशो को और क्या भी कहते हैं डेटर का मतलब ही होता है रिसीवेबल जिनसे पैसे मिलने वाले तो रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो कहते हैं क्या यस कहते हैं डेटर वेलोसिटी कहते हैं क्या यस कहते हैं स्टॉक वेलोसिटी नहीं पेबल ये तो क्रेडिटर टर्न ओवर रेशो कहलाता है और ये स्टॉक टर्न ओवर रेशो कहलाता है तो सही ऑप्शन क्या आपका ए एंड बी तो ए एंड बी वाला ऑप्शन कौन सा आपका पहला हम बात करें स्टॉक वेलोसिटी मतलब स्टॉक टर्नओवर के बारे में इस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप तो स्टॉक बेसिकली किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है ये बताता है सी ओ जी एस और एवरेज स्टॉक के बीच के रिलेशन्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है कि आप कितने पीरियड तक एवरेज स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं तो ये इन चीज़ों के रिलेशंस को बताता है तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड इन अ गिवन पीरियड एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ़ द इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड यस करेक्ट बोल रहा है कि सी ओ जी एस किस सी ओ जी एस एंड किसके बीच में रिलेशन बताता है क्या जो हमारे पास एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है मतलब एवरेज स्टॉक जो हम एक पर्टिकुलर ईयर uh, में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मैंटेन करके रखते हैं तो पहला ऑप्शन तो सही है दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन अ गिवन पीरियड एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड बोथ ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम बोथ ऑप्शन बस फर्क क्या है यहां पर इन्वेंट्री वर्ड यूज किया है यहां पर स्टॉक वर्ड यूज कर रहा है अदरवाइज दोनों का मतलब तो सेम ही होता है तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए बोथ ए एंड बी द लोअर टर्न ओवर रेशियो इज हाइलाइटेड द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्सेसिएबल एट द डिस्पोजल ऑफ द फर्म यस जितना मेरा टर्न ओवर रेशियो लोअर होगा वो इस बात को शो करेगा कि हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे वी आर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू टर्न ओवर रेशियो आर ऑल्सो नोन एज टर्न ओवर को ही हम क्या भी बोलते हैं ये इसे हम एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं परफॉर्मेंस रेशियो भी कहा जाता है एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस क्यों? बिकॉज यहाँ हम जो भी एक्टिविटी होती है जैसे डेटर के साथ क्रेडिटर के साथ स्टॉक वर्किंग कैपिटल हम उनके टर्न ओवर रेशियोज निकालते हैं इसलिए हम एक्टिविटी या इसे परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं मतलब आपका सही आंसर क्या होना चाहिए सी बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड बी चलिए आगे बात करें वाइल जब हम कैलकुलेटिंग ईपीएस जब भी हम ई पी एस अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं तो अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आपकी जितनी भी अर्निंग हुई है डिवाइडेड बाय आप नंबर ऑफ शेयर कर दोगे तो आपको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको ई पी एस पता चल जाएगा बट अब आपको अर्निंग में कौन सी अर्निंग लेना है ई बी आई टी लेना है ई बी टी लेना है पी बी टी लेना है क्या लेना है आफ्टर डिविडेंड लेना है बिफोर डिविडेंड लेना है तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सी ई पी एस निकालने के लिए कहा गया है इफ बोथ इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर आर कैपिटल आर देयर देन मतलब आपको बोल रहा है कि हमारे पास प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी है इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और आप अब ई पी एस कैलकुलेट करोगे तो ई पी एस के लिए जो आपको अर्निंग लगेंगी वो अर्निंग कैसे निकालोगे आप ठीक है तो आगे हम ऑप्शन को पढ़ते हैं प्रिफरेंस शेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट प्रिफरेंस शेयर को नेट प्रॉफ़िट में से माइनस करना है बोलता है फिर बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एक्चुअल में टेक्निकली देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है क्या बोलना चाहिए था कि हमें नेट प्रॉफ़िट में से इक्विटी शेयर को डिडक्ट नहीं करना है इक्विटी शेयर पर जो डिविडेंड देते हैं हम वो डिविडेंड को माइनस करना होता है ठीक है प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट जो भी मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट में से ये नेट प्रॉफिट कौन सा है अर्निंग आफ्टर टैक्स ठीक है अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम क्या करते हैं प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करते हैं उसके बाद जो अर्निंग अवेलेबल होती है इस अर्निंग को हम कहते हैं अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सो so, हम क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे और एक को सही आंसर बोलेंगे बिकॉज ये प्रिफरेंस शेयर तो डिडक्ट नहीं करना है लेकिन प्रिफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड जाता है वो हमें डिडक्ट करना है उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ तो बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय कैपिटल इक्विटी कैपिटल ये किसके लिए निकलता है तो हम क्या निकालते हैं कि हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके कैपिटल पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके कैपिटल्स पर उनको कितना रिटर्न देने के लिए कैपेबल है कितना हम उनको रिटर्न दे सकते कितना हम उनके लिए कमा रहे हैं तो ये किस बात पर डिपेंड करता है तो फंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर यस ऑब्बियस है क्योंकि शेयर कैपिटल में हमें शेयर होल्डर के फंड को ही लेना पड़ता है इक्विटी कैपिटल ओनली ठीक है ये ये भी बात बोल सकते हैं क्योंकि इक्विटी कैपिटल पर भी डिपेंड करती है मतलब बोथ आर द सेम पॉइंट्स सो आइदर ए और बी इज़ योर करेक्ट आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एक्सपेंसेस रेशियो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो होता है क्या यस yes, होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस रेशियो होता है फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो होता है तो चारों के चारों हमारे एक्सपेंस रेशियो है तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए ए बी सी डी सारे के सारे आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस रेशियो थे ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इन टू हंड्रेड अब कुछ लोग ऑपरेटिंग सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को इस तरीके से भी इलेबरेट कर सकते हैं सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैं सी ओ जी एस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगा एड कर दूँगा तो मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट पता चल जाएगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप सी ओ जी एस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारे अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो सी ऑप्शन इज परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिटरमाइन जो हम लोग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं ये किस चीज़ के डिटर्मिनेशन में काम आता है वाइल नेट प्रॉफिट रेशियो डिटरमाइन हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो है बोलता है ठीक है तो जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है देखिए नेट प्रॉफिट क्या करता है नेट प्रॉफिट बताता है ओवरऑल एफिशिएंसी को जो आपके पास नेट प्रॉफिट होता है वो किस बात को बताता है वो ये बताता है ओवरऑल एफिशिएंसी को जबकि जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये किस बात को डिनोट करता है ये डिनोट करता है वर्किंग एफिशिएंसी को जो हमने काम किया है उसकी एफिशिएंसी को जबकि नेट प्रॉफिट ओवरऑल एफिशिएंसी को बताता है तो ओवरऑल वाले तो ऑप्शन आएंगे नहीं अब बचा कौन सा हमारे पास वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है वर्किंग एफिशिएंसी को जबकि जो नेट प्रॉफ़िट है वो बताता है ओवरऑल एफिशिएंसी को सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इफ़ सेल्स इज टेन लैख आपको सेल्स दिया है उसके अलावा आपको सेल्स रिटर्न दिया है तो सेल्स में से मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर दूँ तो नेट सेल आ जाएगा साढ़े नौ लाख नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड और प्रॉफिट दिया आपको बिफोर टैक्स टू लाख का अगर टू लाख में से मैं फोर्टी परसेंट का टैक्स माइनस कर दूं मतलब कि एट्टी थाउजेंड माइनस कर दूं तो हमारे पास वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का क्या बच जाएगा प्रॉफिट और अगर मैं क्या निकालने बोला है नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला आता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इन टू हंड्रेड हमने ये वैल्यूज़ को रख दिया अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो आंसर आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट दिस इज आवर आंसर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन है इफ सेल्स इज फाइव लैख हमारे पास सेल्स का फिगर दिया है नेट प्रॉफिट भी ऑलरेडी दिया है और नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो बोलता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अपॉन वन लैख सॉरी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अपॉन फाइव लैख इंटू हंड्रेड सो आंसर विल बी ट्वेंटी फोर परसेंट तो चौबीस परसेंट आपका क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन अब अगले पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो बने रहिएगा चैनल के साथ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द आइकॉन ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आ सके धन्यवाद दोस्तों